मुजफ्फरनगर जिले में देर रात लूट की दो बड़ी वारदातें हुई। पहला जो मामला है वो बुढ़ाना थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक पर दो बदमाशों ने एक व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर एक युवक को कार सवारों से लिफ्ट मांगना भारी पड़ गया, जहां बदमाशों ने लिफ्ट देकर युवक से 47,000 और मोबाइल फोन लूट लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आने से लिफ्ट ली थी, वे बोल रहे थे कि कहाँ जाओगे, सवारी बिठा रहे थे तो वे बोल रहे थे कहाँ जाओगे, मगर भाई सड़क पर उतार दी मुझे भी, वहाँ से उठा रखे यार मुझे इधर लाए गए यहाँ से। वे बोल रहे क्या ले रहा, जो कुछ भी तेरे आया वो देते, मगर बटवा आया फोन है, फोन दे दिया, पैसे निकाल लिए सारे जो कुछ थे। वे बोल रहे फोन पे खुला उन्होंने मेरा, कह लगे इसका कोड बता, तो मैं कोड नहीं बताया उन्होंने, जब उन्होंने मेरा कट्टा डाल दिया तब मैंने उन्हें कोड बताया अपना। अच्छा, कितने बदमाश थे, कौन सी गाड़ी थी? सफेद कलर की गाड़ी थी, ये नहीं पता गाड़ी वरना थी या डिजायर थी। नाम का व्यक्ति जो बुढ़ाना कस्बा में रहता है, मूंगफली बेचने का कारोबार करता है, जो कांदला जा रहा था स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर, दो व्यक्ति आए और उसकी मोटरसाइकिल को रोक करके उसके बैग को छीन के चले गए। उस बैग में लगभग करीब 3 लाख रुपये थे। नरेंद्र के कहने पर हमने सारे CCTV फुटेज देखे हैं और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दो टीमों का गठन किया गया है, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा।